दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में कि इसका अगर जो ड्रायर मोटर ख़राब हो जाता है तो आप उसको किस तरीके से बदल सकते हैं। यहां पे 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। अगर जो आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो किसी की भी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने घर पे ही आप अपने हाथ से ही मोटर को चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके मोटर में प्रॉब्लम है, इनका मोटर चलते चलते अचानक से बंद हो गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इसके मोटर के अंदर फुल करंट आ रहा है। हमने टेस्टर से चेक किया और यहाँ पे पूरा मशीन जो है करंट के माले जूझ रही है। तो यहाँ पे कस्टमर का कहना है कि मेरे को करंट नहीं चाहिए और इनके वॉशिंग मशीन के मोटर में जो है पानी घुस गया था। पानी घुसने का कई रीज़न होते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम मोटर को प्रक्रिया समझेंगे। यहाँ पे LG में बहुत आसान होता है, यहाँ का इसका ढक्कन ऊपर से खींचेंगे तो ये पूरा पैनल जो है बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कोई स्क्रू वगैरह नहीं होता है, तो यहाँ पे घुमा के चेक कर लेना है आपको। एकदम फ्री घूम रहा है, मतलब यहाँ पे सील का कोई लोचा नहीं है। नीचे चलिए देखते हैं। सबसे पहले मोटर खोलने के लिए यहाँ पे ऊपरी भाग में हमको 10 नंबर या 8 नंबर की टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे टी की मदद से आप खोल लेंगे और यहाँ नीचे एक में बजा कर ऊपर से आप ड्रम को खींचेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। लेकिन ड्रम को इस तरीके से अचानक से नहीं खींचना, आपको घुमा घुमा कर खींचना है ताकि जो सील में के साथ अगर जो वो फंस भी जाए तो निकल जाए। तो यहाँ पे आप ज़ोर से खींचिए तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए निकल गया, लेकिन यहाँ पे साथ में सील भी इसका जो है बाहर आ चुका है। यहाँ पे मतलब यहाँ से पानी सील की रास्ते से ही लीकेज हुआ है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे कोई भी फेवी बॉन्ड वगैरह नहीं लगा के देती है। तो चलिए यहाँ पे हमारा मोटर खोलने की बारी है। ऊपर से देख सकते हैं पानी इसके अंदर घुसा पड़ा है, यहाँ पे देख लीजिए। और अब क्या करना है हमको, मोटर के तीनों जो स्क्रू आते हैं वो खोल लेना है, जैसे कि यहाँ पर हटा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर छोटा पेचिया की मदद से या टेस्टर की मदद से भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों पैर के नीचे स्क्रू आता है और यहाँ पे कैपेसिटर को जो है आप साइड में कर दीजिएगा और मोटर को आसानी से निकाल दीजिएगा। थोड़ा परेशानी होता है लेकिन आप एडजस्ट करके इसको निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इस तरीके से निकाल दिया है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये 40 वाट का मोटर है, 180 वाट का मोटर है, तो यहाँ पर अब इसका पुल्ली निकालना पड़ेगा। पुल्ली यहाँ पर देखिए निकल चुका है और अब इस पुल्ली को हम अपने मोटर में फिक्स करेंगे। तो ये हमारा मोटर है, राजा का ओरिजिनल मोटर है, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है हम पुल्ली को लगाने वाले हैं। ये हमारा पुल्ली है, इसका सेंटर देख के हमको पुल्ली को लगाना पड़ता है। तो चलिए फटाफट इसको फिक्स करते हैं। यहाँ पे पुल्ली लगाने के बाद आपको ऊपर का नट बोल्ट जो है उसका टाइट कर देना है। यहाँ पे टाइट करने के बाद जो है हमारा ये मोटर अभी एकदम घूमने के लिए रेडी हो गया है। चलिए इसके अंदर पहले हमको सील लगा लेना है। सील लगाने से पहले यहाँ पे अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी है ताकि इसके अंदर हम फेवी बॉन्ड वगैरह डालेंगे तो अच्छे से पकड़ करे और बाद में लीकेज होने का कोई खतरा ना रहे, जिससे हमारा मोटर सेफ़ रहे। वैसे हम इसमें वाटर प्रूफ मोटर डाल रहे हैं तो लीकेज होने का भी कोई खतरा रहेगा तो हमारा मोटर जलेगा नहीं। तो चलिए फटाफट सील लगाते हैं। सबसे पहले इसको हम यूनिवर्सल सील बोलते हैं। यहाँ पे आपको खाली चूड़ी पे टाइट करना होता है, नीचे से यहाँ पे देख सकते हैं इसको लगा के अच्छी तरीके से खाली टाइट करना होता है। यहाँ पे ये हमारा सील फिक्स अच्छी तरीके से टाइट हो गया है और यहाँ पे जोर लगा के पूरा टाइट करना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, ऊपर से जो है फेवी बॉन्ड बचा हुआ साइड से आपको लगा देना है ताकि जो है हमारा सील अच्छी तरीके से पकड़ करे। यहाँ पर सील के ऊपर से हम अच्छी तरीके से फेवी बॉन्ड लगा दिए और यहाँ पे पुराने वाले का सील जो है, पुराना वाला सील जो है ड्रम से हम पहले बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये काट लग गया है, जिसकी वजह से सील निकालने में तकलीफ़ होती है। निकल गया और अब इसको अच्छी तरीके से हमको घस देना है कांच पेपर की मदद से। सबसे पहले यहाँ पर कांच पेपर की मदद से इसको अच्छी तरीके से घस लेना है। यहाँ पे एकदम क्लीन होने के बाद जो है अब हमारा प्रोसेस होता है मोटर को बैठाने का। तो मोटर डालना आसान हो जाएगा, पूरा हाँ थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा, उसके बाद डालना आसान हो जाएगा। डालने के बाद बिना कुछ देर किए आपको तीनों स्क्रू को लगा लेना है, फिक्स कर लेना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने पार्ट को काट काट कर दिया है। नट टाइट करना कोई
बड़ी बात नहीं है, आप वहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा मेन रह जाता है वायरिंग का। तो वायरिंग देखिए, वायरिंग करना बहुत ही आसान होता है, कई बार हमको सेम कलर कोड मिल जाता है, कई बार यूनिवर्सल मोटर डालते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा वायरिंग में दिक्कत होता है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं चार MFD का कैपेसिटर इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है, जो कंपनी का LG का है वही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से आप कंप्लीट करके, हो सकेगा तो आप सेम कलर का ही मोटर डालें ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला हमारा रनिंग वायर है जो कि ब्लू और ग्रे है, जो कि हम यहाँ पे लगा कर इसको टैपिंग कर देंगे। और उसके बाद आ जाता है रेड और येलो, जो कि येलो ब्लैक होता है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। कॉमन वायरिंग हमारा वाइट वाला हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं। वीडियो आप पॉज करके देख लीजिएगा कहाँ पे वायरिंग किया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका 4 MFD का कैपेसिटर है, ये ओरिजिनल है, जो कि हमारे मोटर के अंदर 5 MFD का होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मोटर चला के चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए मोटर हमारा परफेक्ट जो है हमारा वर्क कर रहा है, एकदम अच्छी तरीके से स्पीड मेंटेन कर रहा है। मतलब अब जो है इसका खाली ड्रम रह गया है बाकी। तो यहाँ पे जो इसका होल होता है वो होल को हम अपने आगे करेंगे और यहाँ पे ड्रम को हम इसके अंदर डालेंगे। याद रहे सील के ऊपर से ड्रम नहीं गुजरना चाहिए, नहीं तो सील फट जाएगा। सील के सेंटर से ही गुजरे ताकि यहाँ पे आप अच्छी तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ऊपर एक बिंदी दिखेगी, आपको उसी के सिधानी पर रख कर और नट को टाइट कर देना है। याद रहे नट अच्छी तरीके से टाइट होना चाहिए, अगर जो नट थोड़ा भी ढीला रह जाएगा तो यहाँ पे वाइब्रेट होने का काफ़ी ज़्यादा संभावना हो जाता है। तो चलिए अब मशीन को चालू करते हैं। यहाँ से नीचे से देख लीजिए हम फिक्स कर चुके हैं। अब जो है इस मशीन को हम चालू करके रोटेट करके दिखाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से हमारा मशीन जो है वर्क कर रहा है। दोस्तों अब आप बोलेंगे कि इसके अंदर ब्रेक क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोस्तों पहले ही ऑलरेडी इनका ब्रेक जो है मतलब खोला हुआ था, निकाला हुआ था, किस वजह से ये मेरे को पता नहीं है, जिसकी वजह से मैंने इसमें ब्रेक नहीं लगाया दोस्तों। तो यहाँ पे अब जैसे ही इस तरीके से हमने पैनल निकाला था, उसी तरीके से हम पैनल इसके अंदर फिक्स कर देते हैं और जो अब हमारा ये मशीन रेडी होके ओके हो जाता है चलने के लिए। लेकिन दोस्तों जब भी आप फेवी बॉन्ड लगा कर मोटर लगा रहे हैं, सील लगा रहे हैं, तो कम से कम 4-5 घंटे बाद मशीन को इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि आप जब मशीन को इस्तेमाल 4-5 घंटे बाद करेंगे तो अच्छी तरीके से आपका फेवी बॉन्ड जो है वो सूख जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इसके अंदर ये इसका मोटर था और इसके ऊपर ब्रेक जो है ऑलरेडी खींच कर तना किया गया था। और यहाँ पे हम इस मोटर को, ये मोटर के ऊपर का जो ब्रेक होता है वो निकाल दिया है। अब हमने सभी चीज़ प्रोसेस चेक करके अब हम मशीन को पैक करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। कस्टमर का कहना भैया आप अर्थिंग लगा दीजिए, इससे क्या होगा अर्थिंग जो है कभी भी इसमें नहीं आएगी। भैया का कहना भी अच्छा है इसलिए हमने अर्थिंग को लगा दिया। वैसे भी मैं अर्थिंग का वायर भूल गया, जनरली मैं अर्थिंग का वायर लगा ही देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सारा काम ओके हो चुका है, सभी वायर को इकट्ठा करके हम उसको टैप मारेंगे और अच्छी तरीके से इसको फिक्स करके इसके अंदर जमा देंगे और फिर हमारा प्रोसेस रहेगा खाली बॉडी को पैक करना। मिला जुला के सारा काम आप इस वीडियो की मदद से अपने वॉशिंग मशीन को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। अगर जो किस तरीके से सील अलग अलग तरीके से प्रकार का आता है, वो सब किस तरीके से फिट किया जाता है, अगर जो ये भी वीडियो आपको देखना है, तो हमारे इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वॉशिंग मशीन के बारे में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर नॉलेज ले सकते हैं। अगर जो आप खुद के मशीन को बनाना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो को देख कर बना सकते हैं, और आप अगर जो कारीगर हैं आप सीख रहे हैं तो आपके लिए हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। मैं इसमें कई सारे डिटेल आपको बताते हैं जिससे आप आसानी से अपने वॉशिंग मशीन के प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हैं और उसको आसानी तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों यही रही इस वीडियो में, आज तक मिलते हैं।